Hi guys, once again welcome back to my channel. मैं हूँ पूजा एंड यू वॉचिंग ब्यूटी एंड क्रिएटिविटी. आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हाई चेयर की एंड जिस हाई चेयर के बारे में जिसके फीचर्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, मैं आपको ये भी बताऊँगी कि हाई चेयर की हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है, क्यों हमें हाई चेयर परचेज़ करनी चाहिए. एंड आज की जो वीडियो है जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ वो है 6-in-1 हाई चेयर फ्रॉम द ब्रांड लव लैप. और ये जो चेयर है ये आपको अमेज़ॉन पर भी मिल जाती है, ये लव लैप की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाती है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो सबसे पहले बात करते हैं कि हाई चेयर की हमें क्या ज़रूरत पड़ती है. जब बेबी को हम स्पून फीड देना स्टार्ट करते हैं तो बहुत कन्वीनियंट होता है अगर हम हाई चेयर यूज़ करते हैं तो, क्योंकि बेबी की और हमारी हाइट में डिफरेंस होता है. उसको नॉर्मल चेयर पर बैठाएंगे तो बेबी बहुत छोटा रह जाता है हमारी हाइट के अकॉर्डिंग, तो कंफर्टेबल नहीं फील होता है. तो जब हम बेबी को हाई चेयर पर बैठाते हैं तो बेबी हमारे लेवल में आ जाता है, उसको स्पून फीड कराना बहुत ज़्यादा आसान होता है. ये जो लव लैप की चेयर है इसमें आपको फूड ट्रे भी अटैच की गई है जिस पर आप फूड प्लेस कर सकते हैं. जब आप बेबी को स्पून फीड कराते हैं तो आप जो भी फूड होता है वो उसको ट्रे के ऊपर प्लेस कर सकते हैं. इसके अलावा जब बेबी खुद से भी फीड लेने की कोशिश करता है, बेबी को यू नो बहुत अच्छा लगता है खुद से काम सीखना. इफ़ आई टॉक अबाउट माय बेबी, उसे कई बार ऐसे होता है कि हट जाओ मुझे खुद से खाना है. तो आप बेबी को चेयर पे बिठा दीजिए और उसमें फिर वो खुद से भी ट्राई करता है कई बार खाने की, तो उसके लिए ईजी होता है. उसके सामने अगर फीडिंग ट्रे में कुछ रखा होता है जो भी फूड होता है तो उसके लिए भी ईजी होता है खाना ईजीली जब वो सीखता है, और हमारे लिए भी बहुत आसान होता है उस फूड को वहाँ प्लेस करना. हाई चेयर का पर्पस यही होता है कि बेबी को हमारे लेवल में लाना जैसे कि हम ईजीली उसको फीड करवा सकें. जैसे बेबी खुद से खाने की कोशिश करता है उसकी सेपरेट चेयर होती है, वो बेबी में सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डेवलप करती है. बेबी को अच्छा लगता है इंडिपेंडेंटली जब वो अपने काम करना खुद से सीखता है. जैसे बेबी अपने पेरेंट्स को या घर में और बड़े फैमिली मेम्बर्स को खुद से खाते हुए देखता है तो बेबी को जो सेल्फ फीडिंग की प्रैक्टिस होती है वो भी उसके लिए ईजी हो जाती है और उसे अच्छा भी लगता है अपने काम खुद से करना. जो पोजीशन होती है हाई चेयर की, तो एडल्ट्स के लिए जैसे हम अपने बेबी को फीड करवाते हैं तो हमें झुक रहे, अगर हम स्टैंडिंग पोजीशन में उसको फीड करवा रहे हैं तो हमें बेंड होने की ज़रूरत नहीं है. बेंड होने से अनकंफर्टेबल भी फील होता है, बैक पेन भी हो सकता है. तो पर्पस यही होता है कि बेबी का जो लेवल होता है हाइट का वो सही तरीके से सेट हो जाए जिससे कि हम बेबी को ईजीली फीड करवा सकें. और जो प्रोसेस ऑफ फीडिंग होता है वो कम हैक्टिक हो जाता है. इसमें जो कुशन दिया गया है एंड जो फीडिंग ट्रे है वो डिटैचेबल हैं जिससे कि क्लीनिंग प्रोसेस ईजी हो जाता है. एज़ वी ऑल नो बेबीज जब खाना स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गिराता है, खाने से ज़्यादा वो फूड को गिराते हैं, तो क्लीनिंग का बहुत ज़रूरी है. अगर वो डिटैचेबल नहीं होंगे तो क्लीनिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा और एवरी डे बहुत इतना आसान नहीं होगा चेयर को क्लीन कर पाना. सिंस ये डिटैचेबल है तो आप इसको ईजीली क्लीन कर सकते हैं. ये जो चेयर है 6-in-1 इसलिए कही जाती है क्योंकि इसमें 6 फीचर्स हैं. आप इसे एज़ हाई चेयर यूज़ कर सकते हैं, बूस्टर चेयर यूज़ कर सकते हैं, स्टडी डेस्क कम गेम टेबल यूज़ कर सकते हैं, एज अ स्टूल यूज़ कर सकते हैं और स्मॉल डाइनिंग चेयर की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं. जो ये हाई चेयर है इसको आप डिटैच करके जो चेयर एंड टेबल होती है वो सेपरेट हो जाती हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो अगर उसको आपको ये चेयर उस तरीके से यूज़ करनी है तो वैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट क्वालिटी गाइस, यस क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो उसकी प्लास्टिक है इट्स वेरी स्टडी एंड जो उसका कलर कॉम्बिनेशन दिया है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. जो रेगुलर कलर्स आते हैं नॉर्मल उनसे बहुत हटके हैं एंड इट गोज़ विद बोथ द जेंडर्स, चाहे आपका बेबी बॉय है चाहे बेबी गर्ल है. इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन लगा मुझे इसका. इसकी जो लेग्स है वो 30% थिक हैं जो चेयर को बेटर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं. इसका जो वेट है दैट इज़ 7.1 kgs. अगर ये चेयर बहुत स्टर्डी नहीं होगी, हाई चेयर है, बेबी बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, इधर उधर ऐसे वो भागने की भी कोशिश करता है चेयर से, तो वो गिर भी सकती है. बट इस चेयर के साथ ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्टर्डी है, वेट इसका अच्छा खासा है, बेबी चाहे जितनी कोशिश करे वो गिर नहीं सकता है. इसका जो इंस्टॉलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा ईजी है, घर पर आप खुद से इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके लिए आपको किसी भी तरह के टूल्स की भी कोई ज़रूरत नहीं है. बेबी की सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि बाकी के जो बेबी के गेयर्स होते हैं उनमें इंपॉर्टेंट होती है, इसमें भी आपको 5 सेफ्टी पॉइंट हार्नेस दिया गया है जिसकी हेल्प से आप बेबी को बेल्ट लगा सकते हैं और बेबी फिर इधर उधर भागने की चाहे जितनी कोशिश करे बेबी उसमें कम्प्लीटली सेफ रहता है. ये जो चेयर है इट्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली, इसमें पीपी मटेरियल यूज़ किया गया है. इसमें जो कुशंस दिए गए हैं वो बेबी के लिए बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छे कुशंस हैं. अगर सिंपली प्लास्टिक दी गई होती तो बेबी के लिए उतना कंफर्टेबल नहीं रहता है और इसे आप इजीली मशीन वॉश कर सकते हैं. जो लेग्स हैं इसमें ड्यूरेबल स्टॉपर है जिसकी वजह से चेयर इधर उधर मूव नहीं करती है.
सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई रियली होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहे. अगर आप अपने बेबी के लिए हाई चेयर ढूंढ रहे हैं, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन. एंड मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगी एंड यू विल नॉट रिग्रेट आफ्टर बाइंग दिस प्रोडक्ट. इसका लिंक जो है परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इट्स अवेलेबल ऑन अमेजॉन एंड ये आपको लव लैब की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाती है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय, टेक केयर.